सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसी एक शीट बनाएं कि हम किसी भी एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करें तो उसकी सैलरी स्लिप के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्रीज आ जाएं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसको ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, जो आपका बेसिक डाटा है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम होगा, उनकी बेसिक सैलरी होगी, डीए वगैरह जो भी हो वो शीट के अंदर होना चाहिए, उनकी डिडक्शन होंगी, तो आप एक ऐसी सैलरी शीट बना सकते हैं। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक शीट ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन है पेज लेआउट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी शीट कुछ इस तरीके की शो होगी आपको। तो स्लिप बनाने के लिए ध्यान रखना है कि किसी भी सेल को मर्ज नहीं करना है, तो ऊपर के कुछ रो को छोड़ के नीचे से शुरू करना है। 7 या 8वीं रो से एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, किसी भी सेल को मर्ज नहीं करना है, तो उस हिसाब से आप इनकी एडजस्टमेंट कर दें। अगर आपने एम्प्लॉयज़ आईडी बना रखी है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी डाल सकते हैं, मंथ एंड ईयर डालेंगे। तो एक तरफ अर्निंग लिखेंगे, दूसरी तरफ डिडक्शन लिखेंगे। अर्निंग के अंदर लिखेंगे जो भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक डीए, एचआरए, कन्वेंस या कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस अर्निंग में लिखेंगे। डिडक्शन के अंदर टीडीएस वगैरह जो भी आप उनसे डिडक्ट करते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ के साथ फॉर्मेटिंग भी करते रहेंगे ताकि शीट का पता रहे कि कौन सा सेल कैसे जा रहा है, जिससे कि आपको ईजी रहेगा इस शीट को क्रिएट करने में। तो लास्ट में ध्यान से टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन लिखना है, जिससे कि आपको नेट सैलरी निकालने के अंदर आसानी होगी। तो टोटल अर्निंग के अंदर अर्निंग का टोटल करेंगे, डिडक्शन के अंदर डिडक्शन का टोटल करेंगे। यहां पर टोटल के अंदर टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन एक फॉर्मूला आप यहां पर लगा देंगे, जिससे कि नेट सैलरी आपके पास आ जाएगी। अब ऊपर वाले सेल्स को हम मर्ज कर देते हैं, जिसके अंदर हम अपना कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस और एक ऊपर टाइटल दे देंगे सैलरी स्लिप। नीचे एम्प्लॉय के सिग्नेचर और डायरेक्टर के सिग्नेचर दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप रेडी हो चुकी है, तो कुछ इस तरीके की हमारी शीट दिखने वाली है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसके अंदर ऐसा करें कि जब हम किसी का भी नाम यहाँ पर डालें या नाम को सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे। सोर्स के अंदर आपको सारे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपने लिख रखे हैं। तो हमने शीट वन पे लिख रखे हैं, शीट वन पे हम जाते हैं, वहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ के नाम के ऊपर सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं, या आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं आपके किसी भी एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पर अब हमको फॉर्मूला लगाना है VLOOKUP का, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, किसको देख के हमारा आंसर आए। तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय का नाम जो है, जब हम वो सिलेक्ट करें तो हमारा आंसर आए। तो हम एम्प्लॉय के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ भी हमारा मेन डाटा है, जहाँ पे हमने इकट्ठा एम्प्लॉय का नाम, जहाँ उनकी टोटल अर्निंग और डिडक्शंस साथ में लिखी हुई हैं, उस टेबल को सिलेक्ट करना है पूरा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा पर्टिकुलर वो डाटा है। आपको बस यहाँ पर कॉलम नंबर डालना है, जैसे यहाँ पर हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो यहाँ पे हम 2 नंबर डालेंगे, डेजिग्नेशन चाहिए तो 3 नंबर डालेंगे, और ऐसे ही आगे तक करेंगे। कॉलम नंबर डालने के बाद कोमा 0 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं कि चेंज होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है, ऐसे ही सभी सेल्स के ऊपर ये कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है Ctrl+C, इसको कॉपी कर लेंगे और सभी सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर अब आपको, जैसे हमने पहले कॉलम नंबर सेलेक्ट किया था सेकंड, वैसे ही सबके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला एक बार चेंज हो जाने के बाद आप चेक करके देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका एक स्पेसिमेन देख लेते हैं कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम एक सैलरी स्लिप बना सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।